आयकर कर्मचारी महासंघ के नए कार्यकारिणी का चुनाव बुधवार को आयकर कार्यालय पर संपन्न हुआ। चुनाव में पहली बार अध्यक्ष पद पर महिला प्रत्याशी कलावती यादव ने जीत का परचम लहराया। इसी के साथ चार अन्य पदों पर चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सरदेन्दु प्रजापति उपाध्यक्ष, शैलेन्द्र गुप्ता सचिव, अश्वनी कुमार संयुक्त सचिव तथा रवि गुप्ता कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। जीत के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नव निर्वाचित अध्यक्ष कमलावती यादव ने कहा कि महिला को अब आगे आकर समाज के लिए कुछ कर गुजरने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों में आपसी सामंजस्य बनाकर उसका समाधान करना ही मुख्य प्राथमिकता होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कोषाध्यक्ष रवि गुप्ता, संयुक्त सचिव अश्वनी कुमार, सचिव शैलेन्द्र गुप्ता, उपाध्यक्ष शरदेन्दु प्रजापति व अध्यक्ष कमलावती यादव ने कहा। रवि गुप्ता कोषाध्यक्ष के पद पर चुना गया हूं। सबसे पहले मैं आयकर कर्मचारी महासंघ की तरफ से सभी कामरेड साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि पिछले साल चुना हुआ जो मैं सेक्रेटरी पद पर चुना गया। कोषाध्यक्ष पद पर हमारे कर्मचारी महोदय थे जो आज तक अपना पद भी नहीं ले पाए, और हमारे यूनियन का जो भी फंड, जो भी पैसा कटता है कर्मचारी हित में, कोई उसका रिकॉर्ड आज तक नहीं मिला। इसलिए मैं कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा कि सारे कर्मचारियों के पैसे कट रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उसका क्या यूज हो रहा है, ये सारा लेखा जोखा के लिए मैं कोषाध्यक्ष पद पर आया हूँ। कुछ लंबित मामले भी हैं क्या कर्मचारियों के? जी, लंबित मामले हैं कि हमारे आयकर कर्मचारी महासंघ के जितने भी कर्मचारी हैं, इनका मंथली पैसा कटता है, लेकिन वो पैसा किस अकाउंट में जा रहा है, उसका क्या काम हो रहा है, आज तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। लगभग दो सालों से ही उसका लेखा जोखा कुछ भी नहीं है। तो कर्मचारियों का एक तरह शोषण माना जा रहा है। बिल्कुल शोषण माना जा रहा है कि हमारा पैसा कट रहा है और उस पैसे का यूज हो नहीं रहा है, तो ये बहुत बड़ी, बहुत दुखद बात है। तो मैं कोषाध्यक्ष पद पर इसलिए आया हूँ कि इस समस्या का निस्तारण कर सकूँ। अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस पद पर चुना। मैं सोनी कुमार ब्रांच सेक्रेटरी पद पर चुना गया हूँ। मैं ब्रांच लेवल पर जो भी समस्याएं होगी उसको हम टीम भावना के तौर, वो उसकी व्यक्तिगत समस्या ना हो, वो हमारी समस्या होगी उस लेवल पर। हम ब्रांच लेवल पर कोई भी समस्या हम लोग अपने लेवल पर लेकर उसको समाधान की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले हम अपने सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मुझे सचिव पद पे नियुक्त किया, और सचिव पद के रहने के नाते मेरा दायित्व बहुत बढ़ जाता है अपने उन साथियों के लिए, जैसे उनका प्रमोशन में किसी तरह से अनावश्यक समस्या का सामना न करना पड़े, और लोगों के जो पेपर वगैरह होते हैं उसकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका भी एक दायरा हो। और साथ ही बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको ICT और DR की जो समस्याएं प्रशासन आपस में उलझा रहा है, उसको में हम लोग दोनों एक साथ मिल करके प्रशासन से उसके अपने न्याय की मांग करेंगे। और बहुत से ऐसे साथी जिनको यहाँ पे CGHS के तहत बहुत सारे हॉस्पिटल अभी पैनल नहीं हैं, इसका हम लोग प्रमुख रूप से इस समस्या का निदान कराया जाएगा। सर, तो मैं सब अपने सभी साथियों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें उपाध्यक्ष पद पर चुना है, और सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि अच्छी वोटिंग के साथ हमारी न सिर्फ मुझे चुना है बल्कि हमारी पूरी पांचों टीम को एक साथ जिताया है। रही प्राथमिकता की बात, तो हमारे अध्यक्ष जी महोदय और सचिव महोदय ने सब कुछ बता ही दिया है। हम एक टीम के रूप में सारे लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि एक हमारी पूरी टीम एक टीम के रूप में काम करेगी और सारे समस्याओं का निवारण करेगी। पहले तो सबसे पहले जो है हमारे कर्मचारी जो है बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो हमें इस पद के लायक समझा और जो है हमें इस पद का गौरव प्रदान किया। इसके लिए बहुत तहे दिल से उन लोग का धन्यवाद। पूरे यूपी ईस्ट की जो है पहली महिला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और
जो भी हमारे कर्मचारियों की समस्याएं होंगी वो हम लोगों की प्राथमिकता होगी, और कार्यालय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो हम लोगों के सामने लाएंगे लोग, तो हम लोग पूरी तत्परता से मिल के एक टीम भावना से उसका निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। काफ़ी महिलाएं हैं जो राजनीति में नहीं आना चाहती हैं, चुनाव भी नहीं लड़ना चाहती हैं, उन महिलाओं को क्या कहेंगे आप, किस तरह की हौसला अफजाई उनका कैसे करेंगे? देखिए, राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है, बशर्ते कि हम लोग सेवा की भावना से जो है इसमें उतरें तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। महिलाएं हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहती हैं, तो एक बहुत ही अच्छा मंच है कि बहुत ही आसानी से हम दूसरों को अपनी सेवाएं दे सकते हैं और दूसरों की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। तो महिलाओं से क्या कहेंगी जो संकोच बस पड़ी हुई हैं, कुछ कर नहीं रही हैं? नहीं, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, वो लोग जो है अपने घर के कामों से समय निकाल के और अपन इस राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी जो है भागीदारी बना सकती हैं, क्योंकि उससे एक महिला से अच्छी सेविका कोई नहीं हो सकती है। वो एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में हमेशा घर पे जो है अपनी सेवाएं देती रहती हैं। उसी भावना से जो अगर हम लोग जो है घर से बाहर निकल के राजनीति के क्षेत्र में भी जो है ईमानदारी से काम करें तो हम लोगों से अच्छा कोई सेवा नहीं दे सकता है जो है, और ये एकदम निश्चित है कि जो है हम लोग इस देश को बहुत आगे ले जाने में अपनी भूमिका जो है बखूबी निभा पाएंगे। ऑफिस में इतने कर्मचारी हैं, सब काम करते हैं आपके साथ जी, किस तरह लगा कि आपको कि चुनाव लड़ना चाहिए, अध्यक्ष बनना चाहिए, क्या ऐसी समस्याएं नजर आई जिसका निवारण नहीं होता देख रही थी आप, और आप सोची कि मैं खुद ही अध्यक्ष बनूंगी उसका समस्या समाधान, इस तरह की कुछ बातें आपके मन में जरूर रही होंगी? अचानक तो आदमी को चुनाव नहीं, अचानक नहीं जो है कुछ अभी कुछ समय तक हम लोग मेरी घरेलू समस्या थी जिसमें हम समय नहीं दे पाते ऑफिस में जो है एक राजनीतिक भूमिका जो है निभाने में, लेकिन अब हमें लगा कि नहीं, हमको जो है घर और ऑफिस के कामों के अतिरिक्त हमारे जो है भाइयों के समस्याओं के निवारण के लिए मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, और कॉलोनी से संबंधित समस्याएँ थी जिसमें महिलाएँ भी हैं, सभी लोग हैं, वो लोग जो है कि उतने आसानी से अपनी समस्याओं को इन लोगों के सामने नहीं रख सकती थी। एक पद पर होते हुए जो है मुझे लगा कि वो अपनी समस्याएं मुझसे बेहतर कह सकती हैं, तो इसलिए लगा कि हमें भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए।